सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज योर होस्ट साइनिंग इन 19x डेडलाइन। तो अपुइया जो डूरंड कप 2022 में मुंबई सिटी एफसी का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच के अंदर नजर नहीं आए थे, इवन वो सब्स्टिट्यूट बेंच पर भी नहीं था। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अपुइया बेल्जियम सेकंड टायर लीग का एक क्लब लोमेनेस्के के साथ 2 हफ्ते का ट्रेनिंग लेने वाले है, जो की मुंबई सिटी एफसी की तरह ही एक सिटी फुटबॉल ग्रुप का हिस्सा है। तो लोमेनेस्के के साथ अपुइया का जो ये ट्रेनिंग स्टिंट है गाइस, वो सितंबर में ही होने वाले है। और सितंबर का ही लास्ट वीक में वो इंडिया रिटर्न करके फिर से मुंबई सिटी एफसी के साथ ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब है गाइस, उनके तरफ से एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज सामने निकल कर आए हैं, क्योंकि इनका जो हेड कोच है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, वो रिसेंटली कोविड पॉजिटिव पाया गया है। और इसका जो इम्पैक्ट है गाइस, वो डायरेक्टली ईस्ट बंगाल का सीनियर टीम के ऊपर पड़ने वाले है, क्योंकि कोविड पॉजिटिव के चलते उनको कुछ समय के लिए ईस्ट बंगाल का ट्रेनिंग सेशन से बाहर रहना होगा। नेक्स्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में बात किया जाए, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने गाइस यहां पर उनका रिजर्व टीम से 23 इयर्स ओल्ड इंडियन स्ट्राइकर दीपू मिर्धा, जिन्होंने डूरंड कप के अंदर 4 मैचों में 2 गोल भी स्कोर किया है, और साथ में 19 वर्षीय यंग प्रॉमिसिंग विंगर अल्फ्रेड लालरुवत संग, इन दोनों ही प्लेयर को अपकमिंग सीजन के लिए अपने सीनियर टीम में प्रमोट कर दिया है। और हाँ गाइस, ये दोनों इससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सीनियर टीम में थे। और उसी के साथ साथ गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ISL सीजन 9 के लिए 19 वर्षीय अंडर 20 इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एरोस का कैप्टन पार्थिव सुंदर गगोई का 3 साल का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीटली साइनिंग कर लिया है, जिन्होंने आई लीग के अंदर इंडियन एरोस की तरफ से 29 मैचों में 4 असिस्ट के साथ 4 गोल भी स्कोर किया था। रिसेंटली इंडिया के लिए इन्होंने अंडर 20 सब चैंपियनशिप भी जीता है। और अटैकिंग थर्ड के अंदर गाइस, पार्थिव सुंदर गोगोई एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है। वैसे तो इनका मेन पोजीशन है राइट विंग, लेकिन मोस्टली मैचेस इन्होंने एज ए सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेला है। और इसके अलावा भी गाइस, ये राइट मिडफील्ड एंड अटैकिंग मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं। और इनका जो बड़ा भाई है गाइस, प्रज्ञान गोगोई, वो भी लास्ट 2 सीजन से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में है। नेक्स्ट, अगर बात किया जाए गाइस हाइलैंडर्स का 24 इयर्स ओल्ड इंडियन सेंटर बैक जस्टिन जॉर्ज के बारे में, तो अपकमिंग हीरो आई लीग के लिए गाइस, जस्टिन जॉर्ज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से लोन आउट होकर रियल कश्मीर एफसी में 1 ईयर का एक लोन डील में ज्वाइन करने वाले हैं। और आखिर में अगर बात किया जाए गाइस बेंगलुरु एफसी के बारे में, तो बेंगलुरु एफसी ने यहां पर ISL सीजन 9 के लिए उनका होम किट्स ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, जो आप लोग फिलहाल अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि इन फ्यूचर इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको हमारे इस चैनल पर जाने के लिए मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।